ओके तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा ऑसम। इस वीडियो में हम रैंक करेंगे डोरेमोन के टॉप 5 सबसे ज्यादा बेस्ट गैजेट्स और टॉप 5 वर्स्ट गैजेट्स को, यानी 10 गैजेट्स का एक लिस्ट होने वाला है जिनमें 5 रहेगा एकदम जबरदस्त और 5 रहेगा एकदम भयात और घटिया। सो यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, एंड तक जरूर देखने का। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 1100 और कमेंट टारगेट है 120, तो जल्दी से पूरा कर दो 24 घंटे के अंदर। और अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो अभी कभी सब्सक्राइब करो ऐसे अमेजिंग वीडियोस रोज देखने के लिए। सो इंट्रो कर बढ़ाते ना हुए, लेट्स स्टार्ट दिस झक्कास वीडियो। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं वर्स्ट गैजेट से और एंड तक जाते जाते हम बेस्ट गैजेट्स के भी बात कर लेंगे, यानी वीडियो एंड होगा गुड नोट के साथ, बिल्कुल बॉलीवुड वाला स्टाइल में। बेटा गर्दा उड़ा दी। तो नंबर 5 और 4 पे जो वर्स्ट गैजेट्स हैं वो डोरेमोन के अल्टरनेट यूनिवर्स से है, जहाँ पे डोरेमोन एक लड़की था। ये दोनों गैजेट है सामुएल डोर और बैम्बू सूट कॉप्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनिमे डोर और बैम्बू कॉप्टर की बिल्कुल वर्स्ट वर्जन है। जैसे कि एनिमे डोर से तुम अपने मनपसंद जगह पे जा सकते हो, लेकिन वहीं पे सामुएल डोर तुम्हें ऐसी जगह पे पहुंचा देगा जहां तुम कभी अपनी जिंदगी में भी जाना पसंद नहीं करोगे। सेम वैसा ही बैम्बू कॉप्टर से तुम आराम से मस्त मगन होकर उड़ सकते हो, लेकिन बैम्बू सूट कॉप्टर तुम्हें धरती के अंदर ड्रिल करते हुए ले जाएगा। मतलब समझ सकते हो कितना खतरनाक है ये दोनों गैजेट और बिल्कुल बेकार, किसी काम के नहीं है। नंबर 3 का वर्स्ट गैजेट है द फैमिली बॉक्स। इस गैजेट को यूज करने से कोई भी अपने फैमिली को किसी और के फैमिली के साथ बदल सकता है, लेकिन जरा ध्यान से सोचो कि ऐसा करने का फायदा ही क्या है, क्योंकि तुम किसी दूसरे फैमिली में खुद की फैमिली जैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इमोशन बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। ऊपर से उसका सारा प्रॉब्लम्स तुम्हें भी फेस करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल एक यूजलेस गैजेट है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग है तो उनके लिए गैजेट सही रहेगा। नंबर 2 का जो सबसे बेकार गैजेट है वो है द विशिंग स्टार। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये वाला गैजेट किसी का भी विश पूरा करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इससे तुम जो भी चीज मांगोगे ये तुम्हें उसका ऑपोजिट एक ऐसा चीज देगा जो कि तुम्हारा किसी भी काम का नहीं होगा। जैसे कि जिया ने से विश मांगा था गर्मी में बर्फ का, लेकिन इस गैजेट से उसे मिला एक चेयर। मतलब कुछ भी, कोई कनेक्शन है ही नहीं। सुनियो ने मांगा था बहुत सारा डायमंड्स और उसे क्या मिला था पता है? पुराने कार्स के बहुत सारा फटे हुए टायर्स। अब तो समझ ही सकते हो कि ये गैजेट कितना ज्यादा बेकार है। सो फाइनली नंबर 1 पे जो वर्स्ट गैजेट है वो सिर्फ नोबिता के लिए ही डेंजरस था, किसी भी और के लिए वो काफी फायदेमंद साबित हो सकता था। गैजेट का नाम है द फेथफुल रोबोटिक डॉग। ये डॉग अपने मालिक का हर एक बात मानता है, कोई उसे जरा से भी परेशान करे तो उसका हड्डी बस लिए कर देता है। जब नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, ये डॉग पहले नोबिता की मॉम और फिर शिजुका को भी अटैक कर देता है। इसके बाद नोबिता डिप्रेशन में आके बोल देता है कि मैं मरना चाहता हूँ। ये सुन के वो डॉग नोबिता को एक रस्सी ला के देता है। नोबिता को पहले लगता है कि डॉग उससे खुद को बांधने के लिए बोल रहा है ताकि वो और किसी को परेशान ना करे, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो डॉग नोबिता को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने लगता है, क्योंकि नोबिता ने बोला था कि वो मरना चाहता है। अब नोबिता बस ऊपर जाने ही वाला होता है तभी डोरेमोन आके बहुत मुश्किल से उसे बचा लेता है। तो इसलिए ये जो डॉग है ये नोबिता के लिए सबसे वर्स्ट गैजेट है। तो अब हम बात करेंगे डोरेमोन के टॉप 5 सबसे बेस्ट गैजेट्स के बारे में। नंबर 5 पे है बैम्बू कॉप्टर। यही वो गैजेट है जो डोरेमोन ने नोबिता को सबसे पहली बार दिया था और इसीलिए ये हमारे लिए इतना यादगार है। हम भी नोबिता के जैसा पहली बार उड़ने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बैम्बू कॉप्टर से ही, और इसीलिए ये काफी ज्यादा फैन फेवरेट भी है। क्या तुम भी बैम्बू कॉप्टर से उड़ना चाहते हो? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नंबर 4 पे है एनिमे डोर। अब घूमना किसको पसंद नहीं, एनिमे डोर से हम कहीं भी जा सकते हैं, अपने मन पसंद जगह पे जा सकते हैं, यहाँ तक कि 10 लाइट ईयर्स तक स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तुम एनिमे डोर से कहाँ जाना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्या तुम्हें वो बचपन वाला शो साकाला का बूम बूम याद है, जिसमें एक मैजिक पेंसिल था जिससे जो भी चीज ड्रॉ करो वही रियल लाइफ में असली बन के आ जाता है। अब डोरेमोन के पास भी एक ऐसा ही गैजेट है जो है मेचा मेकर। इससे भी तुम जो भी चीज इमेजिन करके ड्रॉ करोगे वही चीज तुम्हारे सामने आ जाएगा, वो भी एक्चुअल साइज में। ये चीज सोचने में कितना ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है और इसीलिए ये नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे जो बेस्ट गैजेट है वो है टाइम मशीन। अब इसके बारे में तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, हम तुम और दुनिया के सारे ही लोग टाइम मशीन से टाइम ट्रेवल करना जरूर चाहते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा और खासकर अपना लाइफ कैसा होगा, ये चीज सबको ही जानना है, तो इसीलिए ये गैजेट नंबर 2 पे बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब टाइम मशीन ही नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन सा गैजेट है, सोचो सोचो। वेल तो नंबर 1 पे जो गैजेट है वो है वर्टी फोन बूथ। अब इस गैजेट से तुम अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हो, सभी इमेजिनरी वर्ल्ड को रियल लाइफ में बदल सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हें हैरी पॉटर पसंद है तो हॉगवर्ट्स को रियल बना सकते हो, अगर पोकेमोन पसंद है तो पोकेमोन को इधर ला सकते हो, और अगर तुम्हें सुपर हीरोज पसंद है तो मार्वल डीसी शक्तिमान सबको इधर ला सकते हो। वैसे हाँ, अगर तुम वर्टी फोन बूथ यूज कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी डोरेमोन के दुनिया में हो, तो इन सब रीजन के लिए ये वाला गैजेट ट्रूली नंबर 1 स्पेस डिजर्व करता है। वेल तो ये रहा मेरा लिस्ट, और कमेंट सेक्शन में तुम भी अपना लिस्ट जरूर शेयर करो कि तुम्हारे हिसाब से डोरेमोन का वर्स्ट गैजेट और बेस्ट गैजेट कौन से हैं। एंड आई होप कि तुम्हें ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो लाइक टारगेट पूरा कर दो
और अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो क्या कर रहे हो, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे अपना एक फेवरेट गैजेट फेंक के मारो ताकि वो बिल्कुल ही ग्रे हो जाए। तो मिलते हैं ठीक 24 घंटे बाद और एक कमाल का वीडियो लेके, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। और आज के लिए बाय।